कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश कुमार शर्मा आज ज्योग्राफी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें ज्योग्राफी में जियो मॉर्फोलॉजी अर्थात भू आकृति विज्ञान नामक चैप्टर को चालू कर रहे हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं जियो मॉर्फोलॉजी अर्थात भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान इसमें भूपृष्ठ पर उपस्थित विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं तथा उनमें जो मानव निवास करता है उनके बीच के अंतर संबंधों को के अध्ययन को जो है वो भू आकृति विज्ञान कहा जाता है। इसके अंतर्गत सेलिसबरी महोदय ने जो स्थलाकृतियों को 3 भागों में बांटा। कौन? सेलिसबरी महोदय ने। सेलेसबरी महोदय ने स्थलाकृतियों को 3 भागों में बांटा, प्रथम कोट की स्थलाकृतियां, द्वितीय कोट की स्थलाकृतियां तथा तृतीय कोट की स्थलाकृतियां। प्रथम कोट की जो स्थलाकृतियां थी इसमें उन स्थलाकृतियों को रखा गया जो व्यापक है, जैसे महासागर, महाद्वीप, दूसरी कौन सी? द्वितीय कोटि की स्थलाकृतियां। द्वितीय कोटि की स्थलाकृतियों में उन आकृतियों को रखा गया है जो अंतर्जात बलों के कारण उत्पन्न हुई, जैसे कि पर्वत हुए, पहाड़ हुए, पठार हुए, ये सब क्या है? द्वितीय कोटि की स्थलाकृतियां हैं। और तृतीय कोट की स्थलाकृतियां, तृतीय कोट की स्थलाकृतियों में उन स्थलाकृतियों को रखा जाता है जो बहिर्जात बलों के कारण उत्पन्न हुई हैं, जैसे अपरदन हो गया, अपरदन के कारण उत्पन्न हुई स्थलाकृतियां, ठीक है, और निक्षेप के द्वारा, निक्षेप के जमाव से जो स्थलाकृतियां आती हैं, जैसे हिमानी हो गई, और जो नदियों द्वारा बहाए गए निक्षेपों के द्वारा जो जम के जो स्थलाकृतियां उत्पन्न होती हैं, जैसे डेल्टा हो गए। तो तृतीय कोट की स्थलाकृतियों में बहिर्जात बलों के कारण उत्पन्न हुई स्थलाकृतियों को रखा जाता है। ये 3 प्रकार की स्थलाकृतियों के बारे में सेलेसबरी महोदय ने बताया है। और अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और इस पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के क्रम में सबसे पहले, वैसे तो बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, अलग अलग प्रकार के मत आए, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो बिग बैंग थ्योरी है। सर्वमान्य मत यही बिग बैंग थ्योरी का था। 1920 में एडविन हब्बल ने सर्वप्रथम यह बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसका लगातार विस्तार हो रहा है, मतलब एक पॉइंट से के सापेक्ष में हमारा ब्रह्मांड लगातार विस्तारित होता जा रहा है, यानी वह हमारा जो ब्रह्मांड है एक लगातार फूलता जा रहा है। इस बात को अगर समझना है तो एक गुब्बारा ले आना, उसमें लगातार अलग अलग पॉइंट जो है चिन्ह उसमें बना लेना है गोल गोल करके, और जब उसे फुलाओगे तो जो उसमें चिन्ह बने होंगे धीरे 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 वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जो चिन्ह होंगे जब उसे फुलाते जाओगे तो वो इस प्रकार से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जिस प्रकार से वो बढ़ रहे उसी प्रकार से हमारा जो ब्रह्मांड है ना वो भी लगातार विस्तारित होता चला जा रहा है, ठीक है। अब 1920 में हब्बल महोदय तो बता के चले गए, उसके बाद क्या हुआ? जार्ज लमेंटियर ने, ये तो व्यवहारिक रूप बता गए, उसके बाद सैद्धांतिक रूप से जार्ज लमेंटियर ने इसका सैद्धांतिक रूप प्रस्तुत किया। ठीक है,
इन्होंने बताया कि जो हमारा जो ब्रह्मांड है वो एक बिंदु की तरह सर्वप्रथम था, ठीक है। ये बिंदु जो, इसे सिंगुलरिटी नाम दिया गया, ये जो प्रक्रिया चल रही थी 13.7 अरब वर्ष पहले चल रही थी, कि जो हमारा जो ब्रह्मांड है एक बिंदु की तरह था, यानी कि एक मटर के दाने के समान एक बिंदु की तरह था। इसमें ये क्या करता था, ये इसके अंदर जो प्रॉपर्टी थी, इसका घनत्व सर्वोच्च था, इसका तापमान सर्वोच्च था, इसका द्रव्यमान सर्वोच्च था, और ये अपने आसपास का जो भी आद्य पदार्थ था उस आद्य पदार्थ को अपनी ओर खींच रहा था, ठीक है। तो जब ये लगातार अपनी ओर जो है आद्य पदार्थ को खींच रहा था, अब जब ये लगातार आद्य पदार्थ को अपनी ओर खींच रहा था तो एक समय ऐसा आया कि ये संतृप्ता अवस्था में आ गया, यानी कि मतलब एक क्रांतिक द्रव्यमान इसके अंदर हो गया, क्रांतिक तापमान हो गया और क्रांतिक घनत्व हो गया, तो उससे ज्यादा ये पदार्थ को खींच नहीं सकता था। इस प्रकार से इसमें एकदम से विस्फोट उत्पन्न हो गया। जब इसमें विस्फोट उत्पन्न हो गया तो इसी को क्या कहा गया, बिग बैंग कहा गया। इसी को बिग बैंग कहा गया। इसमें विस्फोट उत्पन्न हुआ, उस विस्फोट से कुछ ही सेकंडों में लाखों करोड़ों दूरी तक जो है ये पदार्थ फैल गया, ठीक है। अब ये विस्फोट उत्पन्न हो गया, विस्फोट होने के बाद जो पदार्थ फैला उसमें सर्वप्रथम मौलिक कणों की उत्पत्ति हुई। वो मौलिक कण कौन कौन से थे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, ये मौलिक कण उत्पन्न हुए थे। इन मौलिक कणों के उत्पन्न होने से सर्वप्रथम जो हमारे ब्रह्मांड में सबसे पहला जो पदार्थ आया था वो आया था हाइड्रोजन, और जिस समय ये विस्फोट हुआ उसके लगभग 570,000 वर्ष बाद, ये हाइड्रोजन नामक पदार्थ उत्पन्न हुआ, मतलब परमाणु उत्पन्न हुआ, ठीक है। और ये जो विस्फोट हुआ और ये जो 570,000 जब तक ये हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं हुआ, इन दोनों के बीच में जो काल था वो अंधेरे से युक्त था। अंधेरे से युक्त होने के कारण इसमें क्या था, अंधेरा तब तक तो था नहीं, इसे डार्क टाइम ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है। इस काल को क्या कहा जाता है, डार्क टाइम ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, इसको कहा जाता है डार्क टाइम ऑफ यूनिवर्स। अब क्योंकि हाइड्रोजन की उत्पत्ति हो गई, हाइड्रोजन की उत्पत्ति होने के कारण ये जो हाइड्रोजन है आपस में संलयित होने लगे, जिसके कारण हीलियम नामक पदार्थ उत्पन्न हुआ, हीलियम नामक पदार्थ उत्पन्न हुआ। अब हीलियम जब पदार्थ उत्पन्न हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिला तो हीलियम बना, हीलियम बनने से क्या हुई, ऊर्जा की मुक्ति हुई। इस ऊर्जा की मुक्ति होने से पहली बार हमारा ब्रह्मांड प्रकाश से जगमगाने लगा। सर्वप्रथम इसी जब ये संलयन की प्रक्रिया चालू हुई तो हमारा जो ब्रह्मांड था वो जगमगाने लगा। तो जो हमारे ब्रह्मांड में अनेक ऐसे बिंदु उत्पन्न हो गए जिसमें जो संलयन की प्रक्रिया चालू हो गई, और एक बिंदु के में जिसमें संलयन की प्रक्रिया चालू हुई उसे तारा कहा गया। अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग तारों का निर्माण हुआ, उन तारों के निर्माण से जो है हमारा ब्रह्मांड जगमगाने लगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से तारों की उत्पत्ति हुई, और जो तारा जैसे हमारा सूर्य है, सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है उत्पन्न हुआ है, ठीक है। अब जो तारे हैं, तारे के समूह को क्या कहा जाता है, तारे के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। जितना भी दृश्य ब्रह्मांड है ना उसमें लगभग 2 अरब आकाशगंगाएं पाई जाती हैं। जितना भी दृश्य ब्रह्मांड है उसमें लगभग 2 अरब आकाशगंगाएं पाई जाती हैं। उसमें से एक आकाशगंगा मंदाकिनी है, जो कि हमारी आकाशगंगा है। इसको दुग्ध मेखला के नाम से भी जाना जाता है,
और इसी आकाश गंगा के अंदर हमारा सौर मतलब सूर्य भी आता है। तो फ्रेंड्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में आप सभी ने देख ही लिया। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति की। जिस समय विस्फोट हुआ उस समय विभिन्न प्रकार के ग्रहों का निर्माण हो रहा था और उसी समय हमारे पृथ्वी का भी निर्माण हो रहा था। सर्वप्रथम हमारा पृथ्वी क्या था, एक आग के गोले की समान था, यानी कि मतलब गैसीय अवस्था में था। इसमें और कुछ नहीं, केवल आग ही आग थी। संलयन की क्रिया उस समय हो रही थी और पृथ्वी हमारी जो है रक्त तप्त थी, यानी कि मतलब लगातार इसमें प्रकाश उत्पन्न हो रहा था। तो इसकी प्रक्रिया में तीन प्रकार की प्रक्रिया आती है। नंबर एक आती है कूलिंग की प्रक्रिया। कूलिंग, एक तो ये ठंडी होने लगी, दूसरा क्या हुआ है, मैग्मा पृथक्कीकरण की प्रक्रिया। मैग्मा पृथक्कीकरण की प्रक्रिया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जो ठोस पदार्थ थे, जितने भी ठोस पदार्थ थे वो नीचे की तरफ जा रहे थे और हल्के पदार्थ ऊपर की तरफ जा रहे थे, यानी कि मतलब जो भारी पदार्थ थे वो पृथ्वी के नीचे की तरफ जा रहे थे और भारी पदार्थ वो हल्के पदार्थ ऊपर की ओर जा रहे थे। तो इसमें क्या हुआ, अलग अलग स्तर का निर्माण हो गया। ठोस पदार्थ केंद्र में जमा होने लगे, उसके बाद कम भारी पदार्थ यहाँ हो गए, सबसे हल्के पदार्थ सबसे ऊपर जाके जमा हो गए। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाई, ये दूसरे नंबर की प्रक्रिया कहलाई। फिर तीसरे नंबर की प्रक्रिया आती है ठोसीकरण की प्रक्रिया। ठोसीकरण की प्रक्रिया में क्या हुआ, जो हल्के पदार्थ थे वो ऊपर आ गए, वो धीरे धीरे ठंडे होने लगे, एक घनीभूत होके एक दूसरे से इकट्ठे होने लगे। तो क्या हुआ, क्रस्ट का निर्माण हुआ। इस प्रकार से ऊपर क्रस्ट का निर्माण हुआ, नीचे तुम्हारे यहाँ पे एक तरीके से अर्धतरल पदार्थ जमा हो गया और यहाँ पे क्या हुआ, ये ठोस था। इसे क्या कहते थे, इसे नीफे कहते हैं। इसी प्रकार से ये नीफे कहलाया, यानी निकिल और फेरस की अधिकता, सबसे ठोस पदार्थ था तो निकिल और फेरस की अधिकता यहाँ पे हो गई। और ये सियाल, यानी कि मतलब यहाँ किसकी अधिकता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की सर्वाधिक अधिकता पाई गई, इसीलिए ये सियाल कहलाया। उसके बाद ये क्रस्ट, इसे सीमा के नाम से जाना जाता है। इन सबकी डेंसिटी जो है, सबसे अधिक घनत्व इसका, फिर उससे कम घनत्व इसका, फिर उसके कम घनत्व इसका। सबसे कम घनत्व हमारे जो है भूपर्पटी का है। इस प्रकार से हमारी भूपर्पटी का निर्माण हुआ और पृथ्वी का निर्माण हुआ और पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का भी निर्माण इसी प्रकार से हुआ। तो फ्रेंड, इस प्रकार से हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और इसी प्रकार से ये टॉपिक भी समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में।